हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदेद है रिलैक्सेशन आईटी में। आज मैं आपको लैब कराऊंगा आज मैं लैब कराऊंगा पोलो आल्टो पे करवाऊंगा। पोलो आल्टो पे पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में समझाऊंगा। ओके गाइस, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग में आज मैं आपको समझाऊंगा कि पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं, पोलो आल्टो पे कैसे कन्फिगर करते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में मैं बहुत सारी वीडियो पहले भी बना चुका हूँ हर फायरवॉल पे, हर राउटर पे। तो आज मैं पोलो आल्टो पे समझाऊंगा। तो पोलो आल्टो पे ये आपको पता ही होगा कि पोर्ट फॉरवर्डिंग हम किस लिए करते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग हम किसी भी चीज़ को अपनी आउट ऑफ ब्रांच से उसको मैनेज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और अक्सर आप चाहते हैं कि आप किसी ऑफ आउट ऑफ सिटी में बैठे हुए और आप चाहते हैं किसी आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई किसी सर्वर में, तो उसको आप मैनेज करना चाहते हैं, तो उसका आप पोर्ट फॉरवर्डिंग के ज़रिए आसानी से अपने नेटवर्क में, अपने कंपनी के नेटवर्क में जाकर पोर्ट फॉरवर्डिंग के ज़रिए उसको उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो हर हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आप पोर्ट फॉरवर्डिंग की होती है, आप FTP भी कर सकते हैं, FTP सर्वर के लिए कर सकते हैं, पोर्ट 2021 पे यूज़ कर सकते हैं, 3389 पे यूज़ कर सकते हैं, 1723 पे कर सकते हैं, PPTP पे कर सकते हैं, VPN की पोर्ट पे। ओके गाइस, तो इन चीज़ों पे आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, आप हर चीज़ पे करवा सकते हैं उसकी, अगर आपको पोर्ट का पता है। तो पोर्ट आसानी से आपको गूगल से भी पता चल जाती है कि हमारी कौन सी सर्विस की क्या पोर्ट है। ओके, आप सर्च करेंगे तो आपको हर पोर्ट के बारे में बता देगा। तो चलें हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पोलो आल्टो पे जाते हैं। और ये पोलो आल्टो का मेरा पेज है, मैं लॉगिन कर चुका हूँ ब्राउज़र पे पहले ऑलरेडी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट्स में जाना होगा, और ऑब्जेक्ट्स में जाने के लिए हमें अपने लेफ्ट साइड पर देखेंगे सर्विस आ रहा होगा, सर्विसेज, इसमें हमें सर्विस क्रिएट करना पड़ेगी RDP की। हम यहाँ पे नाम देंगे RDP। ओके, डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी होगी हमारी, RDP की क्या पोर्ट होती है, वो पोर्ट होती है 3389। RDP कर रहे हैं आप चाहते हैं, FTP करना चाहते हैं, तो पोर्ट 2021 दो पोर्ट चलती हैं इसमें भी, और सोर्स पोर्ट क्या देंगे हम 3389। ओके, डेस्टिनेशन डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं आप, TCP रखेंगे। ओके, TCP रखेंगे। ओके, इसको ओके कर देंगे तो हमारी RDP की सर्विस क्रिएट हो जाएगी। अब हमें पॉलिसीज में जाऊँगा और अब हमें नेट कन्फिगर करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए हमें नेट कन्फिगर करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें बाहर से इनॉल होगा। तो ऐड करवाएंगे, यहाँ पे हम नेम देंगे RDP नेम देंगे, ओरिजिनल पैकेज में आएंगे और यहाँ से हम सोर्स ऐड करवाएंगे, ट्रस्ट। ओके, यहाँ पे भी सॉरी ट्रस्ट नहीं देंगे, यहाँ पे अनट्रस्ट ऐड करवाएंगे। अनट्रस्ट से एसोसिएशन भी क्या होगा, हमारा अनट्रस्ट होगा, एनी सर्विस जो हमने भी क्रिएट करी थी वो होगी RDP, और डेस्टिनेशन एड्रेस हम वो देंगे जो हमें सर्वर की IP को, जो सर्वर को हमें कनेक्ट करना हो, अगर वो पूल बनाया हुआ तो आप पूल भी पूरा यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरे पूल है, मैं इनको सर्वर्स को आपस में बैठ के आप वो भी करवा सकते हैं। पूरी एड्रेस लिस्ट आप दे सकते हैं, यहाँ से एड्रेस में जाके बना सकते हैं IP एड्रेस नेटवर्क की पूरी लिस्ट बना के, उनमें आपके सारे सर्वर हों जो आप मैनेज करना चाहते हैं। और अभी मैं खाली एक स्पेसिफिक सर्वर की IP दे सकता हूँ, 192.168.2.210। ओके, ये मेरे समझ लें 192.168.2.210। ओके, तो मैंने ये IP दे दी, आप चाहते हैं पूरा पूल भी वो भी ऐड करवा सकते हैं। ओके गाइस, और ट्रांसलेटेड पैकेज में आएंगे, इसको हम सोर्स को नन ही रहने देंगे, यहाँ पे हम नन कर दें इसको, ये वैसे तो ऑलरेडी डायनेमिक IP पोर्ट्स हुआ होता है, इसको आप यहाँ से ड्रैग डाउन करके इसको नन कर दें। ओके, डेस्टिनेशन पोर्ट हम देंगे अपनी पब्लिक IP। ओके, इधर आपको अपनी पब्लिक IP देनी होगी। पब्लिक IP क्या होती है, पब्लिक IP हमारी गूगल जाएंगे, गूगल करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे my IP। ओके, तो ये आपको पब्लिक IP ला के दे देगा। ओके, ये मेरी पब्लिक IP है एक तरीके से, इसको मैं कॉपी करके
मैं पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि हम पब्लिक आईपी के थ्रू ही करते हैं। पब्लिक आईपी आपको ये अपने जो आपका आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उससे आपको परचेस करना पड़ती है। ओके, आप परचेस करेंगे फिर ही आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेटेशन हो गया, इसको ओके कर देंगे। तो ये भी हमारा एक नेट रूल हो गया क्रिएट। तो अब हमें सिक्योरिटी में जाना होगा, पॉलिसी, इन सबको आपस में मर्ज करके इसकी पूरी रूल बनाना पड़ेगा, जैसे हम रूल फायरवॉल में बनाते हैं। यहाँ पे हम सोर्स में आरटीपी देंगे, ओके, आरटीपी सोर्स कहाँ से आएगा, अनट्रस्ट से आएगा, और डेस्टिनेशन क्या होगा, अगर आपके यूज़र्स आप एक्टिव डायरेक्टरी के लिए थ्रू कर रहे हैं, अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू चला रहे हैं जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो बनाया था, तो यहाँ से आप यूज़र भी अपने कर सकते हैं जिनको सिर्फ आपको आरडीपी सेशन अलाउ करवाना है। ओके, क्योंकि डेस्टिनेशन में देंगे, डेस्टिनेशन में हम ट्रस्ट देंगे क्योंकि बाहर से अंदर आएगा। ओके, एप्लीकेशन हमेशा एनी नहीं रहने, मैं आपको हमेशा बता दूँ जब भी आपकी रेवलर में फायरवॉल चल रही हो तो हमेशा एप्लीकेशन वही अलाउ कराएं जो आपको इस रूल के लिए अप्लाई करनी है। ओके, यहाँ पे हम कौन सी एप्लीकेशन देंगे, आरडीपी देखेंगे, आरडीपी, तो ये देखिए हमारी आरडीपी क्या आ गई, आरडीपी टू टीसीपी। ओके, ये हम देंगे यहाँ पे पोर्ट, और सर्विस में हम अपनी यहाँ पे आरडीपी सेलेक्ट करेंगे जो हमने सर्विस का रूल बनाया था। ओके, एक्शन में आएंगे, एक्शन में हम इसको अलाउ ही रहने देंगे। ओके, सेशन स्टार्ट एंड लॉग स्टार्ट, ओके, इसको ओके कर देंगे तो ये हमारा रूल क्रिएट हो जाएगा। और इसको आप सो पकड़ के माउस से और ऊपर ले आए, ओके, तो ये हमारा रूल बन जाएगा। और फिर रूल बनाने के बाद इसको कमेंट कर दें आप, तो जैसे ही कमेंट करेंगे आपका ये आरडीपी का सेशन बन जाएगा। ओके गाइस, आप इसमें नेटवर्क में जाने के आएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट्स में आएंगे, सर्विस बनाएंगे, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, सर्विस आप कोई सी बना सकते हैं, आरटीपी की बना सकते हैं, यहाँ से बहुत सारी सर्विस की बनती है। आप चाहते हैं एफटीपी की, एफटीपी, तो एफटीपी में हमारा पोर्ट 20 कॉमा देंगे और यहाँ पे 21, ओके, फिर 20 देंगे, कॉमा देंगे, 21, ओके, ये हमारी पोर्ट क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखें एफटीपी की पोर्ट बन गई। और इसी तरह आपको फिर पॉलिसी में आएंगे, इसको नेट कन्फिगर करना पड़ेगा, नेट पे आप जाएंगे, नेट कन्फिगर करना पड़ेगा, फिर आपको पॉलिसी पॉलिसी बना देनी होगी सिक्योरिटी में जाके। ओके गाइस, तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे पेज को भी सब्सक्राइब करें। ओके, खुदा हाफिज़।